हज़रत अब्दुल्ला बिन मुगफ़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि काल काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी, अल्लाह से डरो। अल्लाह अल्लाह का मतलब है मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ। अल्लाह अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, दो दफ़ा फ़ी अस्हाबी। फिर फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, फ़ी अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में। यहाँ कोई नहीं कहा कि मुहाजरीन के बारे में या अनसार के बारे में या साबिकूनुल अव्वलून के बारे में या बदरियों के बारे में या उहद वालों के बारे में, नहीं। जिस शख्स पर सहाबियत की तारीफ सादिक आती है, जो शख्स सहाबी है, उसके बारे में फरमाया कि अल्लाह से डरो। और ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी, मेरे बाद उनको उन पर तीर मत चला। गरज कहते हैं उस हदफ को जिस पे तीर चलाया जाता है। तो मेरे बाद उन पर तानों के, इल्जामात के, बहतान के, बदगुमानियों के तीर मत चलाना। ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी, मेरे बाद उनको मलामत का हदफ मत बनाना। क्यों? एक जाब्ता बयान किया रसूलुल्लाह ने, और ऐसा जाब्ता है कि इसको दिल के ऊपर लिख लीजिए, लिख लीजिए अपने दिल पर। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, कि जाब्ता यह है कि जो सहाबा से मोहब्बत रखता है, जो सहाबा से मोहब्बत रखता है या जो सहाबा से मोहब्बत रखेगा, वो मेरी वजह से उनसे मोहब्बत रखता है और रखेगा। जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है, दर हकीकत उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत उसको मजबूर करती है कि आपके सोबत याफ्ता लोगों के बारे में उसकी जबान से हमेशा खैर निकलती है, उसकी जबान से फूल झड़ते। वमन अब गज़ाहुम, और जो उनसे नफरत करेगा, आपने फरमाया फबी बुग्दी अब गज़ाहुम, ये मेरा, रसूलुल्लाह फरमाते मेरा बुग्ज़ है जो सहाबा के बुग्ज़ की शक्ल में निकलेगा। कैसा अजीब इरशाद फरमाया, का जो तुम्हें सहाबा से बुग्ज रखता हुआ शख्स मिले, एक कायदा हमें मिल गया, जिसके बारे में हम देखेंगे ये सहाबा के बारे में बदजुबान है, इसके दिल में बुग्ज है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग्ज है। चाहे वो नाम अहले बैत का ले, चाहे वो अपने लिए आड़ किसी को भी बनाए, हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग्ज तो कोई अपना खुद जाहिर नहीं कर सकता, तो वो आड़ ले सकता है। अहले बैत की आड़ लेगा, हजरत हसनैन की आड़ लेगा, अली मुर्तजा की आड़ लेगा, और ये उसको एक सहाबा पर हमला करने के लिए और सहाबा की सीरतों को दागदार करने के लिए, उनके उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाने के लिए, ये उसकी ढाल बनाएगा उनको। ये शख्स, इसकी अलामत और पहचान ये होगी, और उसके लिए वाही तबाही किस्म की हिकायात और बेसरोपा किस्म की बातें जो हैं वो लाएगा और उसको बयान करेगा। और अगर वो कोई हदीस बयान करता है बज़ाहिर, तो उसका मतलब गलत ले रहा हूँ। उसमें देखें कुरान शरीफ में आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह जल्ला शानुहु ने एक बात इरशाद फरमाई, अल्फाज उस तरह के हैं। तो कभी भी कोई शख्स उसकी बुनियाद पर आदम अलैहिस्सलाम को निशाना नहीं बनाएगा हर वक्त। आपने कभी कोई सलीमुल फितरत मोमिन देखा है कि कहे कि अल्लाह पाक ने आदम के बारे में फरमाया कि हमने उनको जो है वलम नजिद लहू अज़्म, हमने उनमें अज़्म नहीं पाया, हमने जो है उनसे गलती हो गई। अब वो सारा वक्त आदम अलैहिस्सलाम को इसकी बुनियाद पर हदफ़ मलामत बनाता रहे, और तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स गुमराह है, ये जिंदीक है, और ये नबी को निशाना बना रहा है। इस वो उस बात के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम की जो हैसियत है, नबूवत का जो इकराम और एज़ाज़ है, नबूवत का जो जब मरतबा है, वो आदम अलैहिस्सलाम को तो हासिल है। और उस आयत की अहले इल्म जिस तरीके के साथ तफसीर करते हैं, जिस एहतियात के साथ उसको उसका मफहूम बयान करते हैं, वो आप देख लीजिए कि क्या उसमें अहले इल्म का तरीक़ाकार क्या है। तो इसी तरह सही सहाबा कराम के बारे में किसी को अदालत लगाकर फैसले करने का इख्तियार नहीं है। वो शख्स इंतहाई बदनसीब, बदकिस्मत और मरदूद है, अल्लाह की रहमत से दूर है, जिसका ये काम हो सुबह शाम
कि वो सहाबा पर फैसले सादिर कर रहा हो अपने बैठ कर, अपनी तमाम लाइल्मी और जहालत के बावजूद और इतने ज़मानों के बाद। तो आपने फरमाया कि जो सहाबा से बुग्ज़ रखता है, फमन अब गदहुम, जो उनसे बुग्ज़ रखेगा, फ़बी बुग्ज़ी अब गदहुम, ये मेरा बुग्ज़ है जो उसकी ज़बान पर सहाबा के बुग्ज़ की सूरत में आएगा या उसके दिल में। और फिर अगली बात सुने और बहुत ख़तरनाक बात, वमन आज़ाहुम फ़कद आज़ानी, और जिसने सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। वमन आज़ाहुम फ़कद आज़ानी, वमन आज़ानी फ़कद आज़ाल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। और फिर कहा वमन आज़ाल्लाह, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई, फ़यूशिकु अन यअख़ुज़हु, तो अल्लाह जल्द उसको गिरफ्त में ले लेगा। और अल्लाह ताला जब किसी को गिरफ्त में लेता है तो सबसे बड़ी सज़ा क्या देता है दुनिया में, सबसे बड़ी सज़ा ईमान से महरूम कर देता है, गुमराही के रस्तों पर डाल देता है, हर गुजरता दिन मज़ीद गुमराही, मज़ीद गुमराही, मज़ीद गुमराही। आप बदज़ुबान लोगों को देखेंगे, या आपको मैं एक पहचान बताऊँ, आप बदज़ुबान लोगों को देखेंगे सहाबा के बारे में जो बदज़ुबान होते हैं, कि आप इनकी ट्रैक रिकॉर्ड इनका देखें, इनकी गुस्ताखियाँ और इनकी बेहयाई और इनकी बेतौकीरी सहाबा की हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जाएगी। ये वो अल्लाह की पकड़ जो हुज़ूर ने फरमाया। इस हदीस में, यह तिर्मिज़ी की रिवायत नंबर 3862 है, इसको आपने याद कर लेना है ज़ुबानी, क्योंकि जुमे में आप लोग वैसे भी सुनते हैं। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, ला तत्तखिदूहुम गरदन बादी, मेरे बाद उनको हदफ मत बनाओ मलामत का। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो उनसे मोहब्बत करेगा मेरी वजह से करेगा, हुजूर ने फरमाया, वमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम, जो उनसे बुग्ज़ रखेगा मेरी वजह से बुग्ज़ रखेगा, वमन आज़ाहुम फ़कद आज़ानी, और जो उनको तकलीफ़ पहुँचाएगा, जिसने उनको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई अल्लाह उसको अनकरीब पकड़ लेगा। और अल्लाह की पकड़ की सबसे ख़तरनाक सूरत मैंने अर्ज़ किया ये कि इंसान को गुमराही के रस्तों पर डाल दिया जाए, उससे ईमान, देखे ईमान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं, ईमान से ज़्यादा है कोई चीज़ तो मुझे बताएं कि ईमान से भी ज़्यादा कीमती, सबसे कीमती मता हमारे पास ईमान है। अगर वो छिन जाए तो इससे बड़ा नुकसान कोई हो सकता है? पैसा छिन जाए वापस आ जाएगा, ना भी आए कोई परवाह नहीं, बंदे छिन जाएं, इंसान चले जाएं, आखिरत में मिल जाएंगे, फिर मुलाकातें हो जाएंगी, हर चीज़ दुनिया में काबिल तलाफी है, ईमान की कोई मुतबादिल नहीं है, ईमान की कोई मोल नहीं है। तो अल्लाह ताला जब किसी से दुश्मनी करते हैं तो उसको जिस तरह सबसे बड़ा जो नुकसान पहुँचता है अल्लाह ताला की के गज़ब का जब अल्लाह उस पर, तो वो ये कि उसका ईमान मुतासर हो जाता है। इसलिए इस अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ और अल्लाह ताला की दुश्मनी और अदावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कहाँ से शुरू होगी, सहाबा के बारे में सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाने से, उनको तकलीफ़ पहुँचाने से और उनको हदफ़े मलामत बनाने से और उनका बुग्ज़ दिल में रखने से। और ये मैं असहाबी का, तमाम सहाबा इसमें शरीक है, इसलिए सहाबा के जो बाहम मामलात हैं उनको उन पर छोड़ दीजिए उन पर, उसको क़यामत के लिए छोड़ दें। और उस दिन आपको बहुत हैरत होगी, अगर आप जो लोग आज यहाँ उनके फ़ैसले करने के लिए बहुत शौकीन हैं, उनको बहुत हैरत होगी जब वो दोनों तबकात को जन्नत में जाता हुआ देखेंगे, और ख़ुद हैरत ही नहीं बल्कि अफसोस से अपने क्या आलम होगा उनका, कि जिन पर वो दुनिया में बैठ कर फैसले सादिर कर रहे थे वो तो सारे जन्नत में गए, और ये पकड़े जाएँ उस सारे मामलात के अंदर। आओ तुम जवाब दो कि तुम्हें किसने जज मुतय्यन किया था, तुम्हें किसने ये ड्यूटी दी थी कि तुम ये फैसले करो। उस दिन का तसव्वुर हमेशा दिल में लाया करें, हमेशा ये ख्याल दिल में लाया करें कि आखरत का मैदान है, हुजूर के सारे सहाबा हुजूर के जलों में जन्नत में जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, और वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो उनके ऊपर तबसरे किया करते थे, वो लोग पकड़े जा रहे हैं जो उनके बारे में बदजुबानियां किया करते थे।
वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनकी तहरीर से या जिनकी तकरीर से, जिनकी गुफ्तगू से सुनने वाले के दिल में सहाबा के बारे में मामूली सी भी कोई उनकी शान में कमी, उनकी अकीदत में कमी, उनकी मोहब्बत में कमी या उनके दर्जात में कमी पैदा हो रही है। तो यह हदीस शरीफ बहुत ज़्यादा अहम है, यह आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी चाहिए।